ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे आ चुका है। स्काई कर रहा है अली के पीछे मेरा यूट्यूब चैनल का साइन है ना, तो मुझसे कह रहा है भैया मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। पीछे वाला मेरा जो है इसका बिल्कुल अनविजिबल हो रहा है, तो साफ करते हैं भाई। देखिए आ चुका हमारा खाना यूपी बाइस की तरह। हम आ चुके हैं शिवा ढाबा मामा यादव। और गाइस देखिए फाइनली पहुंच चुके हैं मुरादाबाद UP 21 में। गाइस यहाँ पे चल रही है काफ़ी बड़ी स्केल में शिव पुराण। और जो हमारे ये हैं परम पूज्य पंडित प्रदीप जी सीहोर वाले, ये कर रहे हैं। आपने इन्हें आस्था चैनल काफ़ी बार देखा होगा। यहाँ चले शिव पुराण काफ़ी बड़ी स्केल पे, देखो बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। गाइस ये सारा साथ हम 100 किलोमीटर से आगे आ गए हैं। और जो है राजस्थान के हाईवे तो हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत सारे टोल देने पड़ते हैं बहुत सारे। और गाइस ये हम आ चुके हैं राजस्थान से हरियाणा में। गाइस हम ये रह चुके हैं भिवानी से 20 किलोमीटर दूर और दिल्ली से ऑलमोस्ट 100-120 किलोमीटर दूर। और ये देखिए कितने सारे टोल टैक्स हमने दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और ये तो खाली ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले काफ़ी गए हैं। ये देखो गड्ढी सब हो गए। देखिए हमारे श्याम जी कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब जय श्री राम जय श्री श्याम। ये देखिए खाटू श्याम जी हमारे। पता मुझसे क्या कर रहा है, मतलब गाड़ी के पीछे मेरा यूट्यूब चैनल का साइन है ना, तो मुझसे कह रहा है भैया मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया था, बोल रहा है उसे यूट्यूब का पेज के खोल दिखाया भैया मैंने सब्सक्राइब कर लिया चैनल। ठीक है चलो थैंक यू। और भाई यहाँ से हमारा मोहल्ला लगे 250 किलोमीटर और दिल्ली आगे लगभग 80 किलोमीटर आसपास 250 के करीब तो आ गए। हाँ और ये देखो यहाँ कुछ आगे ऐसा लग रहा है, इतने सारे हाईवे हैं। हम मौसाई पूछ के आए हैं, कहाँ जाना है बताएंगे मौसाई जी हमें। चलो ठीक है चलो बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। भाई जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोल्डन स्टार फैमिली ढाबा पे, जो पड़ता है हरियाणा से दिल्ली जाते हुए। और हम जो है 250 किलोमीटर आ चुके हैं और 250 किलोमीटर हमारा घर रह गया है ऑलमोस्ट, मतलब 200 के आसपास जो मैंने रह गया होगा, लेकिन इतना रह गया। आधे मतलब आधे में आ चुके हैं हम सफ़र में। यहाँ पर कुछ खाएंगे बिकॉज सुबह से आदमी हमने कुछ खाया नहीं है। 250 किलोमीटर का सफर करके आए हैं, नॉन स्टॉप गाड़ी आई है और कम से कम कुछ होना चाहिए ना। मौसम ही ना 200 किलोमीटर लगातार जाए नॉन स्टॉप, तो मेरे 100 किलोमीटर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे लाल हो जाती है मेरी तो। देखिए ये है इनका AC हॉल, ये देखिए। और यहाँ पे एक बात अच्छी है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको खाने में, चाहे ब्रेकफास्ट नहीं, यहाँ पे लंच डिनर सब मिलेगा हमें प्रॉपर, मतलब दाल रोटी खाने को आराम से। अभी देख रहे हैं मेन्यू, मुझे कुछ समझ तो आया नहीं, मैंने भैया से एड्रेस पूछा, लेकिन ये जगह का नाम है हाली आनंदपुर रोहतक। ये सामने छोटा सा गार्डन टाइप है यहाँ पे, और मैंने पहले बोला ये रोड साइड जो रेस्टोरेंट होते हैं तो बड़े ही प्यारे लगते हैं मेरे को। जस्ट लुक एट द स्काई, क्लाउड देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ओहो भाई क्या बात है, चलिए हम ज़रा देखते हैं क्या ऑर्डर करें। भाई देखिए आज हमारा खाना UP 22 की तरह, UP 22 रेस्टोरेंट में भी हमारे रामपुर वाला जो है उसमें भी ऐसी बाल्टियाँ आई थी, ये रायता और ये दाल मखनी और ये रोटियाँ। भाई दाल मखनी खाई, दाल मखनी ठीक है, मज़ा अच्छी है, पेट भरने लायक भी बढ़िया भी है। हमें लंच कर लिया बोला, गाड़ी दी अच्छा वाला बिल चलेगा, चलते हैं और अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलेगा यहाँ चलते हैं और मिलते हैं शायद पेरिफेरल पे, बड़ा ही मस्त हाईवे एकदम मक्खन होगा, बहुत ही खतरनाक।
बारिश भी आ गई और ये अब पेरिफेरल हाईवे पे आ चुके हैं हम। बहुत ही बढ़िया हाईवे एकदम ही, इस पर गाड़ी पता नहीं लगती है, स्मूथ भागती है। टॉप मोस्ट इन इंडिया, टॉप मोस्ट इन दिल्ली NCR। अब दिल्ली में आते हुए पेरिफेरल हाईवे गाजियाबाद। ये अब ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे आ चुका है। और ये अब हम मुड़ चुके हैं मुरादाबाद की तरफ। सब पूरा कटेगा इकट्ठा टोल। सुबह ईस्टर्न पेरिफेरल पे से हम आ चुके हैं और हमने ट्रेन ले लिया अपने मुरादाबाद की, मुरादाबाद शहर की तरफ। हमारा UP 21 अब गाजियाबाद आएगा, उसके बाद आएगा हमारा मुरादाबाद। बोलो बाकी इलाहा लिखी जय। थैंक यू ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे। और गाइस ये हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे से होते हुए गाजियाबाद होते निकला है गाजियाबाद से। और ये देखिए हम यहाँ पे रुके हैं। अच्छे वाला मेरा जो है इसका बिल्कुल अनविजिबल हो रहा है, तो ज़रा साफ करते हैं। दिक्कत हो रही थोड़ी, हमारा क्रिश्चियन वाला थोड़ा गंदा हो गया था। क्या बात है, आइए। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ शर्म से है लब सिले हुए। और गाइस हम आ चुके हैं शिवा ढाबा मामा यादव। और गाइस फाइनली आ चुकी हमारी गंगा माता ब्रज घाट। क्या बात है, बोलो गंगे मैया की जय। और थोड़ा जल बड़ा हुआ लग रहा है गंगे माता में। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और मैं जो हिसाब लगा रहा हूँ कि टोल टैक्स हमारा कितना गया है, ये गया ऑफलाइन और ऑनलाइन और कितना हूँ मैं, लगभग 900 रुपये का असर गया हमारा टोल टैक्स। गाइस मैकडी पे रिकनेक्शन चल रहा था, पता नहीं मैकडी फिर से रिस्टार्ट हुआ नहीं हुआ। ओ गाइस शुरू हो गया, अरे काफ़ी सही हो गया अब तो भाई। और गाइज ये हम पहुंच चुके हैं मोगा पंजाबी ढाबा पे। और रजापुर से थोड़ी दूर हम रह गए हैं, रजापुर पहुंचने वाले हैं और अपने शहर UP 21 पहुंचने वाले हैं। और इसमें ऑलमोस्ट शाम के 5 बजने वाले हैं। यहाँ थोड़ी चाय की रेविंग हो गई तो हम चाय पीने रुके हैं। ये पर्ची दी है अंकल जी ने। गाइज ये आ चुके हैं चाय लेके चलते हैं। ये आ चुके हैं हम चाय, ये कर रहे हैं नाश्ता में यहाँ पे सब, बिकॉज हम अपना नाश्ता मसाते के चलते हैं। और गाइस देखिए फाइनली पहुँच चुके हैं अपने शहर में, अपने प्यारे शहर में, हमारे मुरादाबाद UP 21 में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे मुरादाबाद में आके, हमें इतनी लंबी यात्रा से आके अपने शहर में आके अलग ही लगता है एकदम। आई लव यू मुरादाबाद, आई लव यू। भैया हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, ये देखिए आ चुके हैं फब्बारा चौक पे। और गाइस जैसे राजस्थान में मौसम था ऐसे ही हम यहाँ भी मौसम नहीं आए, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बारिश वाली रेन मारा बिल्कुल। फाइनली हम अपने घर पहुँच चुके हैं मुरादाबाद। और ये इस प्यारी सी वीडियो को और ये इस पूरी सीरीज को यहाँ पर एंड करते हैं। और गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और पूरी सीरीज जो ब्लॉग से आपको पसंद आए हो। पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरे तकली बाय बाय टेक करने वाले अपना ध्यान रखें, बाय बाय लव यू ऑल। और हमारे साथ बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छी हमारी ट्रिप गई, बहुत ही अच्छा लगा। बस क्या बात है, हम आशा करते हैं आपको ब्लॉग बहुत ही अच्छे लगे। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।